हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम के अंदर कभी कभी ऐसी दिक्कत आ सकती है आपको, आपने जीएसटी चालू किया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से चालू कर लिया है, सारी चीजें इनेबल हैं आपके में, और आप जब परचेज में एंट्री पास करते हैं तो कुछ इस तरीके से F9 प्रेस करके आ जाते हैं, और ये आपका आइटम इनवॉइस मोड है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके में आइटम इनवॉइस मोड शो ना करे। यहाँ देखिए चेंज मोड दिया गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे तीन मोड दिखाई देंगे, तो हमें तो रहना है आइटम इनवॉइस में, लेकिन कभी कभी आप अकाउंटिंग इनवॉइस में चले जाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, तो यहाँ नेम ऑफ आइटम नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे क्लिक करना है और फिर वापस से आइटम इनवॉइस में चले जाना है, ठीक है। तो आइटम इनवॉइस में जैसे आते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि आप एज वाउचर में आ जाते हैं तो एज वाउचर में तो आपको क्रेडिट और डेबिट सीधे सीधे दिखाई देने लगता है। ऐसे में भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ से जाएंगे तो वापस से आइटम इनवॉइस पर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गए, अब यहाँ पर आएगा सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, तो जो सप्लायर ने आपको इनवॉइस नंबर दिया है वो इनवॉइस नंबर डालिए। यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, यहाँ सीधे तौर पर परचेज का लेजर लगा दिया है, ठीक है। अब एंटर करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर स्टॉक आइटम देखना है तो कोई स्टॉक आइटम है या नहीं, तो हमारे पास बहुत सारे स्टॉक आइटम है तो एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए पल्स ले लिया हमने, ठीक है। इस पर MRP भी एक्टिवेट कर रखा है, तो खरीद रेट मान लीजिए 90 रुपए किलो है, तो 90 रुपए के भाव से 90 किलो क्वांटिटी का क्या रेट यहाँ पे आया है देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेकंड जो है स्टॉक आइटम वो राइस है, तो ये यहाँ पे आए, और यहाँ पे 50 किलो राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से राइस भी आ गया, ठीक है। राइस पर हमने MRP नहीं दिया है, एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें लगाना है GST, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे CGST, देखिए यहाँ पे CGST आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए CGST कैलकुलेट नहीं हुआ। तो आप अब सीधे बात में दिमाग में क्या बात आती है कि लगता है हमने GST चालू नहीं किया, तो यहाँ से जब बाहर आते हैं और यहाँ पर F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने GST चालू किया होगा। यहाँ देखिए ये यस है, इसका मतलब कि ये चालू है, तो फिर एंटर करेंगे और सारी डिटेल देखते हुए एंटर करते हुए यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ देखेंगे शायद अल्टर ना किया हो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अल्टर भी किया गया है GST को, तो फिर GST क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आती है और ऐसे में परेशान होने लगते हैं। तो यहाँ पर अब फिर इसमें परचेज का लेजर भी देखने की जरूरत पड़ती है, तो आप सीधा आ जाते हैं अल्टर पर और अल्टर पे आके ए प्रेस करते हैं, और यहाँ से लेजर पे जाने के लिए एल प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ये लेजर पे आ जाएंगे, ये आ गए एंटर, और यहां से हम परचेज का लेजर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये परचेज अकाउंट का लेजर है, तो फिलहाल परचेज के लेजर में तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे GST अप्लीकेबल ही किया गया है, तो ये सब तो सही है ही। तब आपको कहाँ जाना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में आपको चेक करना चाहिए अपने क्रेडिटर पार्टी का लेजर, ठीक है। और क्रेडिटर पार्टी के लेजर से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, अब क्या क्या क्लियर होगा आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अल्टर पे चलते हैं और अब लेजर पे आते हैं, और अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर यानी राकेश होलसेलर जो है ये इसका लेजर हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर आए तो ठीक है, संडी क्रेडिटर ग्रुप होता है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पर राकेश होलसेलर, यहाँ पर एड्रेस नहीं डाला है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्टेट हो गया डिफरेंट, तो यहाँ पे जब भी डिफरेंट स्टेट होगा तो CGST SGST तो आएगा ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या आएगा। अगर मान लीजिए CGST SGST नहीं आया तो क्या आएगा, तो फिर एक बनाया गया है IGST, तो अगर आप IGST लगाएंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर 354 नंबर का था, ये दे दिया हमने, और यहाँ पर 1/5/2023 था डेट, तो वो डेट आ गई। और यहाँ पर अब राकेश होलसेलर पार्टी का लेजर लगाते हैं और अब एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराते हैं, एंटर किया, अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाता है, ये तो आपको पता है ही। और अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा अब लाइक जैसे पल्स कर दिया हमने, तो हमने बताया था 90 रुपए, तो 90 रुपए लगा देते हैं यहाँ पे। दूसरा राइस था तो राइस कर देते हैं, और राइस 100 किलो कर देते हैं, तो चावल 100 किलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लगाना है तो CGST SGST क्यों नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट का मामला है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट के लिए CGST SGST नहीं लगता, तो फिर क्या लगता है, तो IGST लगता है। तो देखिए यहाँ पे IGST का लेजर कहीं है, नहीं है, तो नहीं है, तो अल्ट सी करके आप बना सकते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो अल्ट सी करते हैं, बनाने के लिए लिखते हैं IGST, ये लिख दिया IGST। IGST का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। एंटर करेंगे और अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालना है। यहाँ पे डी प्रेस कीजिएगा ना तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, और यहाँ पे डाल करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पे GST करिएगा, और ये है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इंटीग्रेटेड रखिएगा। बाकी यहाँ राउंडिंग नॉर्मल रहेगी,
और यहां पर TCS वगैरह तो चाहिए नहीं, तो फिर अभी एंटर करिए और देखिए ये लीजिए, ये आपका कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। अब इसको आप एंटर करके एक्सेप्ट कराइए और यहां पे नरेशन जरूर डाल दीजिएगा, नरेशन डालना जरूरी होता है, द गुड्स हैव बीन परचेस्ड, ठीक है। तो ये कर दिया हमने इस तरीके से और आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब जब इसका बिल देखेंगे तो आपको बिल भी बहुत स्पष्ट रूप से ये नजर भी आएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला बिल है परचेस का और यहाँ अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये बिल भी नजर आएगा। पूरा डिटेल बिल मैंने यहाँ पे जनरेट करा है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि क्या किस पे कितना टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कंपनी का नाम है और यहाँ पे सप्लायर पार्टी का नाम है, ठीक है। और केरला का जो कोड होता है स्टेट कोड वो होता है 32 और यूपी का कितना होता है 9 होता है 09, ठीक है। अब बारी है यहां से बाहर आने की, तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करना है ESC वाला बटन आपको एकदम ऊपर कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, ठीक है। उसको प्रेस कीजिएगा, बाहर आ जाइएगा। बाहर आ गए तो बार बार इसको एस्केप बटन प्रेस करके आप बाहर आ जाइएगा। अब वापिस से बी बटन प्रेस करके कुछ और परचेस करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, सप्लायर द्वारा मिला जो बिल नंबर है वो यहाँ डाल दिया और यहाँ पे डेट मैं रख देता हूँ 31 मई, इस बार 31 मई रखते हैं, ठीक है। इस बार क्रेडिटर पार्टी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ मोनू क्रेडिटर सी से मैंने डिनोट कर दिया इसको और यहाँ ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर रहेगा। एंटर करिएगा। लेकिन देखिए इस बार मैंने स्टेट क्या रखा, उत्तर प्रदेश, तो इस बार आप नहीं लगा सकते वहां IGST, वहां पर तो CGST SGST ही लगेगा टैक्स सेम, लेकिन CGST SGST के रूप में, ठीक है। एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए, फिर एंटर लास्ट तक एंटर करके इसे भी क्या करना है आपको एक्सेप्ट कराना है, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। फिर एंटर करिए, इनका जो GSTIN नंबर है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो जो भी इनका GSTIN नंबर हो, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर करिए। अब यहाँ पर आता है परचेज अकाउंट का लेजर, तो ये परचेज अकाउंट लगा लिया। अब यहाँ पर जो भी है राइस है पल्स है जो भी है, तो यहाँ राइस ही ले लेते हैं, तो 50 किलो राइस लेते हैं, कीमत देख ही रहे हैं आप। दूसरा स्टॉक आइटम भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो पल्स ले लेते हैं, तो ये पल्स ले लिया और पल्स जो है 60 किलो कर लेते हैं, इसके हिसाब से यहाँ प्राइस आ गई है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे IGST लगाइए, देखिए IGST कैलकुलेट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंट स्टेट का मामला हो गया, तो क्या होगा, तो CGST SGST ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CGST का लेजर इंसर्ट करके देखते हैं, तो देखिए तुरंत कैलकुलेट हो गया, लेकिन CGST के साथ जब भी आएगा तो SGST आएगा। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई बात समझ में, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एस प्रेस किया और एस प्रेस करते ही देखिए SGST मैंने बना रखा है, एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट यानी उधार में, ठीक है। तो ये कर दिया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो काम हो गया। अब इसका भी आप जो है बिल देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला बिल है इसका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, ये राकेश होलसेलर वाला बिल था और यहाँ पे ये वाला बिल है, ठीक है। CGST SGST लगा हुआ है, अल्ट पी करिए, एंटर करिए, आई बटन प्रेस कीजिए और ये भी बिल आपको पूरा डिटेल में इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब क्योंकि पल्स पे 9% का टैक्स 18% का टैक्स मैंने लगाया है, तो 9% CGST और 9% SGST और इस पे 5% ही लगाया है राइस पे, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।